सर पेंडेमिक के बाद जो पेपर मार्केट की सिचुएशन है थोड़ा उसके बारे में बताइए। पेंडेमिक के बाद में अभी पेपर का सिचुएशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज़्यादा। हमने तो अभी क्या है रिसेंटली स्टार्ट किया हमारा प्रोडक्शन, बिफोर 4 मंथ स्टार्ट हुआ हमारा मिल, और हमने अभी लास्ट मंथ में 12,400 टन निकाला है प्रोडक्शन। यस, तो अभी जैसे जब लास्ट में कुछ मंथ से लो रॉ मटेरियल क्राइसिस चल रहा, तो आपने प्लांट को किस तरह से मैनेज किया सर? रॉ मटेरियल का थोड़ा बहुत क्राइसिस है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। डुप्लेक्स का क्या सिनेरियो देख रहे हैं सर आने वाले टाइम में? सर डुप्लेक्स में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, डुप्लेक्स का मार्केट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पैकेजिंग मार्केट ग्रो हो रहा है हर साल, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 10% तो ग्रो हो ही रहा है। ओके, कुछ आप नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं सर आप? ना अभी रिसेंटली कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तो ये मिल है अभी बनाया है, रिसेंटली स्टार्ट किया तो अभी तो उसको सेट करने का है। अभी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सर, उसका बारे में बताइए। हाँ, हमने अभी लास्ट 2 दिन के पहले वेलवेट वाइट मीन्स के वाइट बैग पेपर बनाया है। यस, सैंपल है एक स्पेसिफिकेशन कितना, मतलब जीएसएम क्या है और क्या इसका बात है? हम बनाएंगे 250 to 450 जीएसएम। ओके, 250 to 450 यस जीएसएम है। और इसका बीए फैक्टर क्या रहेगा सर? बीएफ तो इसमें मायने नहीं रखता है, स्टिफनेस और बल्क उसमें आएगा। ओके, इसका एंड यूज क्या है सर इसका पेपर का? इसका एंड यूज एक्चुअली पैकेजिंग में है, पैकेजिंग बॉक्स में है। यस, और मेडिसिन बॉक्स बनाते हैं इसमें से, फूड ग्रेड में भी यूज होता है, फूड पैकेजिंग में।